ये देखिए वो जो सनकोनियर है वहाँ जाके बैठा है, देखिए पेड़ का ऊपर यहाँ एक बैठा है। आ जाओ पप्पा, इतना दूर तो इससे पहले गया नहीं, वो आ रहा है यहाँ के बैठा। हाँ रियो को आज बाहर छोड़े हैं, एकदम फ्री फ्लाइट कराया, एकदम फुल टेम्ड है, मतलब बुलाने से चले आते हैं, सब ठीक है, पूरा फ्लाई कर पाते हैं। उसका ऊपर से एकदम ऐसे खुले आसमान के नीचे, चारों तरफ ऐसे खुला आसमान, उसका नीचे ऐसे छोड़ा गया है। बार्ड्स के अंदर एक पागलपन आ जाता है कभी कभी कि इतना बड़ा खुला आसमान मिला और एकदम से हाई फ्लाइट लगा दिया। फिर से अगर वो चाहेगा भी यही जगह में लौट के वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसी के लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन एक बार ऐसे खुले आसमान के नीचे छोड़ने के बाद, मतलब वो पूरा ऐसे धीरे 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 देख लेता है, तो उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि अगर कोई बर्ड को बाहर छोड़ा गया है एकदम ऐसे खुले आसमान के नीचे और फर्स्ट टाइम वो एकदम लंबा फ्लाई लगा दिया, यहाँ आसपास कुछ देखा नहीं, अचानक से लंबा फ्लाई लगा दिया, तो तभी बहुत दिक्कत होता है। नहीं तो मतलब मैं जो चाह रहा था कि पहले छोड़ने के बाद वो इसका आसपास, मतलब ये जो एरिया है पूरा एरिया को सही से देखे समझे, उसके बाद अगर फ्लाई करके भी जाएगा तो तभी वापस आने का मतलब आ जाएगा। ऐसे आता है जैसे मेरा बबल्स और यहाँ बहुत सारा बर्ड्स मैं छोड़ के रखता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मतलब छोड़ने के बाद ही अगर अचानक से वो लंबा उड़ान लगा दिया तो तभी बहुत मुश्किल, बहुत रिस्क रहता है। आधे घंटे का ऊपर इनको छोड़े हैं, यहाँ वहाँ चारों तरफ घूमे हैं, उसके बाद वहाँ जाके बैठा और चारों तरफ बहुत मतलब 15-20 मिनट तो ऐसे देखता रहा चारों तरफ। तो अभी हम लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया है कि नहीं ये और कहीं नहीं जाएगा एकदम। और ऊपर हम लोगों का टीम पूरा रेडी है, अगर फ्लाई करके कहीं गया भी तो छत का ऊपर से देखेंगे कि कहाँ गया और वहाँ जाके तो ढूंढ के कुछ भी करके ढूंढ के लाना है। क्या हुआ, वहाँ ऊपर चढ़ गया? हाँ रियो, रियो कम ऑन कम ऑन, आ रियो हम लोगों का प्यारा सा ये जो अमरूद का पेड़ है पूरा, इसका क्या हाल होगा, वही डेथ लग रहा है। अमरूद है सामने, डाली को मत काटो, अमरूद तोड़ो। काट कूट करने में, तोड़ फोड़ करने में इतना बिजी है, इतना बुला रहा हूँ उसका कोई ध्यान ही नहीं है। रियो क्या कर रहे हो? रियो सारे छोटे छोटे पौधे को ऐसे मत काटो, काटो मत। कौन रियो? रियो हो, गुड बॉय गुड बॉय। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं अभी नहीं, और थोड़ा खेल। किसको आना है, आ जाओ। मंका, ओ मंका, आ जाओ पापा उसको देखे आओ, आ जाओ। बाबेल, बाबेल कहाँ है? बाबेल्स को इतना आसानी से दिखाई नहीं देता है, वो इस पेड़ पे, ये जो अमरूद का पेड़ है यहाँ कहाँ छुप के रहते हैं पता नहीं चलता। बाबेल्स, बाबेल्स ये देखो आ गया बाबेल्स, बाबेल्स बाबेल्स, कौन सा लेना है ले लो, बाबेल्स बाबेल्स, ओ यहाँ ऊपर बैठा है। देखो एक ही है, जो पहले आएगा उसको मिलेगा। दोनों आ गया, तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो, दोनों को मिलना चाहिए ना, पक्का अमरुद। क्या शेष था बाबेल्स, ओ देखो बाबेल्स आ गया, आ जाओ मंका, मंका
मांग का कुछ नहीं हुआ। हाँ, तीनों का हाल देखो, यहाँ एक बैठा है, पावल भी यहाँ बैठा है, ओ वहाँ ऊपर नारियल पेड़ का ऊपर आ जाओ सब, वहाँ से फ्लाई करके आके यहाँ अमृत पेड़ में जाके अभी दिखाई दे रहा है। ये जो पेड़ है, इस अमृत का पेड़ में सारे बर्ड्स बैठना बहुत पसंद करता है, तो जो प्लान करेंगे यहाँ एक अच्छा सा नेस्ट बॉक्स लगा देंगे, अच्छे तरीके से बहुत अच्छा प्लेस करके बहुत खूबसूरत सा नेस्ट बॉक्स लगा देंगे ताकि वो लोग कंफर्टेबली वहाँ रह पाए। हर दिन दोपहर के टाइम ऐसे, मतलब वो लोग तो ऐसे पेड़ पे रहते हैं, और दोपहर के टाइम जब भूख लगता है रुद्रा हर दिन ऐसे मिक्स सीड्स यहाँ लेके आते हैं, और वो सब विंडो है यहाँ से अंदर आता है, और रुद्रा इन सबको यहाँ बैठ के पेट भर के खाना खिलाता है, और उसके बाद ये लोग फिर से उस अमरूद का पेड़ में चला जाता है, और फिर से शाम के टाइम सारे के सारे बर्ड्स अंदर आ जाता है, मतलब उन दोनों को खाना खाने नहीं देगा। अच्छा ठीक समझ गया, रुद्रा उन दोनों को खाना खिलाता है, तो बाबल्स गुस्सा होकर क्या करते हैं कि रुद्रा को काटने के लिए जाता है। बाबल्स का हो गया खाना, पेट भर गया, चला गया। पापा इन लोगों को खिलाने के बाद पानी भी पिलाना, पानी। ये देखिए वो जो सनकोनियर है, वो यहाँ से मेरा फार्म से कितना दूर जाके इलेक्ट्रिक वायर के पास वहाँ जाके बैठा है, देखिए और यहाँ पेड़ का ऊपर यहाँ एक बैठा है, हाँ अमृत का जो पेड़ है इसका ऊपर एक बैठा है। आ जाओ पापा, इतना दूर तो इससे पहले गया नहीं। हाँ वो आ रहा है यहाँ नारियल का पेड़ पे आके बैठा, यहाँ आके बैठा। आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है, आ जाओ। एक्चुअली ये कैट रैट को पकड़ने के लिए गया। मेरा ये जो एवियरी है, ये मतलब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ सारे रैट को मैम यहाँ से हटा नहीं पाया, तो बहुत रैट रहता है, तो वही सारे रैट को पकड़ने के लिए कैट आता है, ठीक है ना, रैट को पकड़ने के लिए कैट आता है, और वो दिन के टाइम भी शिकार करता है रैट का, और ये दोनों तो यहाँ ऊपर यहाँ चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, और सडनली हम लोगों ने क्या देखा, दो कैट आके अचानक से रैट का ऊपर हमला करने के लिए झटक से ऊपर से नीचे जंप किया, उसी डर में झटका लगा के यहाँ इतना दूर में उड़ के चला गया, और बहुत दूर चला गया। एक्चुअली वो बुलाने से ऐसे ही चला आता है, लेकिन डर के मारे झटका लगा के उड़ के गया है ना, इसी के लिए थोड़ा सा डर गया है। बहुत सारा रैट है, बहुत कोशिश किया, लेकिन मतलब यहाँ से सारे रैट्स को हटाना बहुत तरीके का कोशिश किया, ऐसे नेट वगैरह लगाया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। कैट तो आता ही है, यहाँ वहाँ आसपास तो बहुत सारा कैट्स भी है, हमको भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ चला गया, लेकिन इस घर का रूम का अंदर रहना। बाबेल गुड बाबेल, हाथ दियो ना बाबेल, कैमरा से बाबेल, हेलो बाबेल, ऐसा कर।
बाहर ज्यादा दूर कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? आज क्या हुआ था, क्या हुआ था आज? अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता तो ठीक है। नहीं नहीं बाबेल्स, बाबेल्स ये क्या है? ठीक है, हो गया, और कहीं नहीं जाना। अगर इस रूम से बाहर जाओगे तो यहाँ सामने ही रहोगे, ऊपर नहीं। ऊपर जाओगे तो चौकन्ना रहना होगा, नहीं तो कैट रैट पर अटैक करेगा और तुम लोग को डर के मारे यहाँ वहाँ चले जाओगे। नहीं 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 बाबेल्स, 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 बाबेल्स। और अभी पेट भर के खाना खाया और पानी भी पिया, उसके बाद एकदम चैन की नींद सो रहा है। और ये ऐसे हाथों में ही सो जाता है। आंख बंद, और क्या बताऊं, ये जो प्यार है इसी के लिए ही तो डर लगता है। सो गए, पूरा रात अभी बाकी है। छोड़ो छोड़ो, हाथ को छोड़ो, हाथ को छोड़ो, हाथ को छोड़ो। अच्छा ठीक है ठीक है, सो जाओ सो जाओ। और वो जो कैट था उनका भी कोई कसूर नहीं था, एक्चुअली रैट को पकड़ने के लिए वो ऊपर से जंप किया, वही एक जो सडनली जो पूरा घटना घट गया, तो वही डर के कारण कौन किस तरफ उड़ के चला गया किसी को पता नहीं था, मतलब इन लोगों को पता नहीं था कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और जितना दूर हो सका उतना लंबा उड़ान, लंबा फ्लाई लगा दिया। तो उसके बाद ये लोग जब सोच रहा था, ये मेरा फील है कि जब सोच रहा था कि वापस घर जाए, तो तभी और लौटने का मतलब कौन सा रास्ते में जाना है, एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है हम लोगों का, वो इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा था। पूरा दिन ढूंढा, मतलब सुबह 10-11 बजे से लेके अभी शाम को 7 हो रहा है, मतलब इतना घंटा कुछ खाया भी नहीं था। और यहाँ लाने के बाद रुद्रा आज एकदम शांति से हम लोग सोएंगे, बेझिझक होके ना, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई मजेदार नया वीडियो के साथ। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, प्रकृति पशु पक्षी से प्रेम कीजिए, अच्छा रहिए, सबको अच्छा रखिए। बाय बाय।